अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कि हम कैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी दो नंबर्स के दरमियान या दो से ज़्यादा। आइए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स है 12 एंड 46, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD ऑफ 12 एंड 16 क्या है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम तरीका यूज़ करेंगे वो बहुत ही ईजी है, आपने वीडियो को गौर से देखना है और समझने की कोशिश करते हैं करनी है। आइए शुरू करते हैं। हम लेते हैं 46 इनसाइड और 12 आउटसाइड, ये हमारा एडवाइजर होता है, ठीक है। इसको कहते हैं एडवाइजर, इसको कहते हैं डिविडेंड जो अंदर होता है। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से देखो 12 3 बार 36 होता है, तो हमारे पास पीछे रिमाइंडर क्या आएगा 10। अब इसके बाद जो स्टेप है कि जो हमारे पास जैसे डिवाइजर होगा ना, डिवाइजर, ये डिवाइजर, इसको हमने इनसाइड कर लेना है, ये हमारा आ गया इनसाइड। अब जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारे पास, हम उसको डिवाइजर के तौर पे अब यूज करेंगे, तो 10 इन 10 तो हमारे पास 2। अब जो प्रीवियस रिमाइंडर था ना, जो प्रीवियस रिमाइंडर, ये तो हमारे पास अब आया 2, जो इससे पिछला रिमाइंडर था 10, अब इसको इनसाइड लेना, इनसाइड ले लिया और 5 2, अब ये जो रिमाइंडर है अब हमारा ये डिवाइजर बन जाएगा, अब हम इससे डिवाइड करेंगे 2 5 10 और यहाँ पे आ गया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, तो इससे पिछला जो रिमाइंडर होगा ना, ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 12 और 46 का क्या आया 2। ये तरीका है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करने का। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे, ये भी हमारी दूसरी एग्जांपल, जिससे भी 1305 और 1810 इसके इक्वल होगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं वही तरीका जो हमने दूसरे एग्जांपल में किया, 1810 की साइड 1305 आउटसाइड, ये हमारा डिवाइजर है। अब डिवाइड 1305 + 1 तो हमारे पास 1305 ही आ जाएगा, तो हमारे पास पीछे माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा 505। अब डिवाइजर जो है जो वो था हमारा वो इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। अब 505 + 2 हमारे पास 1010 आ जाएगा, मतलब 1010, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 295। तो अब जो इससे पिछला रिमाइंडर है 505 वो अब हम इनसाइड रखेंगे, 295 + 1 तो 295 ही आ जाएगा, क्योंकि हम 2 करेंगे तो इससे बड़ा रहेगा, इसलिए 1 से करेंगे। तो अब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 210, इससे पिछला रिमाइंडर हमारे पास क्या था 295, वो इनसाइड आ गया, 210 + 1 210 ही आ जाएगा। अब तो हमारे जो हमारे पास रिमाइंडर बचे 80 आ गए, तो 80 के पिछला रिमाइंडर हमारे पास 210 था, 80 + 2 हमारे पास 170 आएगा, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 40 आ जाएगा। तो इससे पिछला जो हमारा रिमाइंडर है वो 85 था, 40 + 2 हमारे पास 80 आ जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर पीछे क्या बचा 5। तो 5 से पिछला रिमाइंडर हमारे पास क्या था 40 5 8 बार 40, तो हमारे पास 0। अब 0 आ गया हमारे पास रिमाइंडर, तो 0 से पिछला रिमाइंडर है ना 5, तो हमारा ये है GCD, ठीक। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1305 1810 का 5 था। इसी तरह हम किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन